कि जहां संकट है, जहां मुश्किल है, जहां संघर्ष है, वहां सरकार अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है और मदद नहीं करती। आप किसान हैं, आपने अभी बताया भगेल जी से कि धान के लिए आपको कितना मिलता है। बघेल जी ने कहा कि कांग्रेस की जहां सरकार है छत्तीसगढ़ में, वहां 2500 का मिल रहा है। खाद, खेती, फसल सब बड़े बड़े उद्योगपति खरबपतियों के हाथों में दे दी गई है। आज खाद के लिए लाइन में खड़े होकर लोग मर रहे हैं। कल मैं ललितपुर गई थी, परसों वहां चार लोगों के पास गई, चार घरों के में गई मैं। दो लोगों ने आत्महत्या की क्योंकि खाद की लाइन में खड़े 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 थक गए, खाद नहीं मिली। दो लोग ऐसे थे जो खाद की लाइन में खड़े हुए घर नहीं जा पा रहे थे, खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए, क्योंकि लाइन छूट जाती। वहीं पे दम तोड़ दिया उन्होंने। जब मैं उनके परिवारों से मिली, घर में मैंने देखा कुछ नहीं था, सिर्फ कर्ज में डूबे हुए थे। 3-4 लाख रुपयों के कर्ज में डूबे हुए थे। न कोई गैस का सिलेंडर था, न कोई सरकारी मदद थी, कुछ नहीं था। सिर्फ एक कमरा, और उसमें उन जो मर गए थे, जिनका देहांत हो गया था, उनके परिजन रो रहे थे। और ये दृश्य में जगह जगह देख रही हूं। यहां पे कहा गया है कि गन्ने की कीमत बढ़ाई जाएगी। मैं पूछना चाहती हूं, आज क्यों कह रहे हैं? 4.5 सालों से क्या किया? 4.5 सालों से क्या गन्ने की कीमत बढ़ाने का मौका नहीं मिला? यहां पे जो चीनी मिलें लगवाई थी कांग्रेस ने, उनको किसने बंद कराया? आपको याद होगा, समाजवादी की सरकारों ने, बसपा की सरकारों ने बंद कराया। और आज वो कहते हैं कि कांग्रेस भाजपा से मिली हुई है। मैं उनसे पूछना चाहती हूं, कहां है वो? कहां है? क्यों नहीं दिखते? जब संघर्ष होता है, जब संकट होता है, तो क्यों नहीं आते आपके पास? सिर्फ कांग्रेस आ रही है, सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है। और मैं इस मंच पर खड़ा करके कह रही हूं, मैं मर जाऊंगी, जान दे दूंगी, लेकिन इस भाजपा के साथ कभी मैं कोई मिलावट नहीं करूंगी।